सरकार भले ही सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े जन जागरण अभियान चला रही हो और सभी विभागों की भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी विभाग ही सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नाहन में 6 बड़े सरकारी संस्थानों को नगर परिषद ने गंदगी फैलाने को लेकर नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। सरकार भले ही सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े जन जागरण अभियान चला रही हो और सभी विभागों की भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी विभाग ही सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नाहन में 6 बड़े सरकारी संस्थानों को नगर परिषद ने गंदगी फैलाने को लेकर नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया है। नाहन नगर परिषद ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज को सीवरेज लाइन लीक होने के कारण सड़क पर फैले गंदे पानी और आयुर्वेदिक अस्पताल को परिसर में कूड़ा फेंकने के कारण फैली गंदगी को लेकर नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा डिग्री कॉलेज नाहन, मत्स्य पालन विभाग, पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग को खुले में कूड़ा फेंकने के लिए नोटिस इशू किए गए हैं। नाहन नगर पालिका सफाई को लेकर प्रदेश में अपना अलग स्थान रखती है। इसको कायम रखने के मकसद से नाहन नगर पालिका समय समय पर शहर की सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करती रहती है और उल्लंघन करने वाले नागरिकों को नगर पालिका नोटिस भेजकर जुर्माना भी लगाती है। देखिए, नगर परिषद शुरू से ही स्वच्छता के प्रति गंभीर रही है। हमारा नाहन शहर एक ऐसा शहर है जो प्राचीन समय से ही अपनी सफाई और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध रहा है और इसीलिए यहाँ पर सफाई का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है और इसीलिए हम जहाँ तक लोगों के जो अगर किसी का पाइप टूट जाता है या किसी प्रकार से कोई गंदगी फैलाता है उसके ऊपर तो नज़र रखी ही जाती है। उसके अलावा नगर परिषद द्वारा हम लोग इसके लिए प्राइवेट ही नहीं केवल जो सरकारी संस्थान से हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए हमने वहाँ पे लगभग अभी हाल ही में हमने 6 जो है सरकारी संस्थान जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज नाहन भी है, मेडिकल कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नाहन, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी है, आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, मत्स्य विभाग वाले हैं डायरेक्टर साहब, इन सभी को हमने इसके लिए नोटिस इशू किए हैं और उनसे ये निवेदन भी किया है कि वो अपने कूड़े को अच्छे से मैनेज करें, ना कि अपने घर के आस अपने जो संस्थान के आसपास के किसी पहाड़ी ढलानों पर फैलाकर गंदगी फैलाएं। इसका ढंग से इकट्ठा करके रखें ताकि वहां से नगर परिषद या तो डस्टबिन में चला जाए या नगर परिषद के वो किसी कर्मचारी को दे दें। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहे हैं और आगे भी प्रयासरत ही रहेंगे। कुल मिलाकर सफाई व्यवस्था को लेकर नाहन नगर परिषद एक्शन मोड में है। देखना होगा कि संबंधित विभाग अब क्या जवाब देते हैं। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि इस नोटिस के बाद गंदगी फैला रहे विभाग क्या सबक लेते हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।